और आज फिजिक्स में हम लोग अर्धचालक यूनिट 4 ये आपका फिजिक्स का है और सेकंड पेपर में और ये पेपर 3 में इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो एंड टीवी के लिए भी ये पेपर काउंट करता है। तो इसमें एक अर्धचालक संत डायोड क्या है, जिसे हम जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली इसको दिखाऊंगा कि ये प्रैक्टिकली डायोड होता कैसा है, दिखने में कैसा लगता है, और उससे हम एसी से डीसी बनाते हैं। मैंने आपको बताया भी है कई बार क्लास में, एसी से डीसी बनाते हैं डायोड से, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें जो मुख्य रूप से पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कि चालक क्या है। तो चालक क्या है आप सब लोग जानते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह हो गया, जैसे कि लोहा सबसे अच्छा किसमें होता है, चांदी में होता है, बिल्कुल सही। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही हम धारा को मेजर करते हैं। दूसरा आते हैं हम कुचालक क्या है। कुचालक किसे कहते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह ना हो, अर्थात उस परमाणु की बाहरी कक्षा पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूसरे अपने में चार चार आठ आठ इलेक्ट्रॉन बना के बंद अपना पूरा किए होंगे। मान लीजिए अगर हम कोई देते हैं एक परमाणु छोटा सा और इसकी बाहरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरा परमाणु देते हैं इसके बगल में, इसकी बाहरी कक्षा पे भी चार इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर परमाणु जो है एक दूसरे से बीच मिलकर क्या बना लेगा, सहसंयोजक बंद बना लेगा। तो अब जब सहसंयोजक बंद बन गया तो वहाँ इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं तो धारा का प्रवाह होगा नहीं, ठीक। तो अब ये हमारा कुचालक हो गया। इसके बाद अर्धचालक में अगर आना है तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको लिखा हुआ है आंतर, मतलब आंतर, और दूसरा बाह्य। तो आंतर में भी आप देखें, आंतर उसे कहते हैं जिसमें कोई अशुद्धि ना हो, मतलब शुद्ध रूप से हुआ अर्धचालक। तो शुद्ध रूप से अर्धचालक अगर जो प्राकृतिक भी पाए जाते हैं ये, और शुद्ध रूप से अर्धचालक हैं इसके अगर, तो जैसे कि आपका जर्मेनियम हुआ, मैंने वहां लिखा है आपने देखा होगा, तो जर्मेनियम के चारों कक्ष में चार चार इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो बना लेते हैं, तो शुद्ध रूप से वो। अब बाह्य जो होता है आपका असली काम यही करता है, बाह्य अर्धचालक, जिसे आप इसमें दो प्रकार का होगा ये बाह्य अर्धचालक। ये आपका एक यंग प्रकार का होगा, तो यंग मतलब निगेटिव, उसका अर्थात उसके अंदर निगेटिव पार्टिकल होंगे, वो ऐसा पदार्थ होगा, ठीक है। दो प्रकार का बनाया जाएगा, एक शुद्ध में ऐसा डाला जाएगा और अशुद्धि कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं। जैसे एल्यूमिनियम में 5 है, अब जर्मेनियम में मिलाओगे तो जर्मेनियम का 4, एल्यूमिनियम का 5, ये तो 4 तो बन जाएंगे, लेकिन पांचवा इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा नहीं रहेगा, हाँ, वो इलेक्ट्रॉन धारा का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो या तो खाली रख दिया जाए या तो फिर कम रखा था, जैसे 4 वाला लिए उसके अंदर 3 वाला मिला दिए, बोरान की बारी कक्षा पे इतने इलेक्ट्रॉन 3, तो वो 3 रहेंगे, तो 3 और 4 दोनों मिलेंगे तो बन पाएंगे नहीं, एक खाली रह जाएगा, तो वो खाली को उसको क्या बोलेंगे हम, होल। वहां पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब भी वो 4 अंक का कारण बनेगा, बनेगा कि नहीं। अब यहीं पर यही दो प्रकार हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप, एन टाइप पहले देखिए, एन टाइप में क्या है कि एल्युमिनियम जर्मेनियम के साथ एल्युमिनियम को आपने मिलाया, और इसमें अगर आप चित्र बना के देखें तो चित्र में आप देख लें कोई भी 5 इलेक्ट्रॉन, मैं नहीं कह रहा कि एल्युमिनियम हो, किताब से आप देख लेंगे, यहाँ पर मैंने लिया एक 5 इलेक्ट्रॉन वाला और यहाँ पे चार वाले मान लीजिए ले लीजिए, तो आप इसके बाहरी कक्षा, इसके बाहरी कक्षा वाला एक एक को बना लेगा, क्या बनाएगा, सहसंयोजक बंद, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा, फ्री रहेगा ना, हाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री रहेगा इस तरह से, जब बंद बना दी, मान लीजिए इसमें आपने बाहरी वाले में अशुद्धि मिलाते हैं, तो अशुद्धि कुछ मिलाएंगे, जैसे दूध में पानी मिलाते हैं तो कुछ मिलाएंगे, तो जब मिलाएंगे आप तो एक इलेक्ट्रॉन आपका बचेगा बाहरी कक्षा में, और इसकी क्या हो रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन का धारा का प्रवाह यही कारण बनेगा। और दूसरा पी टाइप में क्या होगा, दो तरह के हैं पी टाइप में, यहीं पर आप 5 की जगह 3 बोरान
बोरान की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ तीन ही होते हैं, ठीक है। तो तीन को सहसंयोजक बंध बना लेंगे और चौथा क्या होगा? खाली रहेगा। तो जब खाली रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? होल। अक्सर पूछता है होल क्या, तो होल क्या है आप समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन की लेने वाली जगह प्रोटॉन, मतलब ये जब चाहेगा पॉजिटिव लेने की कोशिश, मतलब इलेक्ट्रॉन। होल क्या है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव। ये हमारा निगेटिव एन टाइप, इसी देश को हम एन टाइप करते हैं, इसी देश को हम पी टाइप करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए हम इसको पी टाइप और एन टाइप करते हैं। तो दो आपका हो गया कि जो बाह्य अचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं पी टाइप और एन टाइप को, तो वो हमारा बन जाता है पीएन संधि, और उसी को हम कहते हैं डायोड। आप चित्र में यहाँ देखें तो ये देखिए पी और एन, इसको हम जोड़ देते हैं तो ये पीएन संधि बन जाती है, यहाँ पर एक संधि हो जाती है, इसको संधि कहेंगे। और इसके साथ साथ इसी को हम सर्किट बैटरी से अगर पॉजिटिव पी को पी से, एन को एन से अगर हम जोड़ते हैं तो ये कहा जाएगा फॉरवर्ड बायस। और इसी में अगर हम इसको पी से एन को और एन को पी से जोड़ देते हैं तो उसे कहा जाएगा रिवर्स बायस, जिसको आप किताब में पढ़ लीजिएगा, उत्क्रम और अभिक्रम करके ये शब्द है, ठीक है। इस तरह से आपको पूछा जाएगा, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में पर्चा रहता ही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बायस पूछ रहा है कि रिवर्स बायस पूछ रहा है, ठीक है। वैसी सर्किट आप बना लोगे। अब इसमें जब इसका वक्र आप बनाओगे वी आई वक्र, तो आप देखोगे जब फॉरवर्ड बायस में धारा का मान बढ़ता बढ़ाते जा रहे हैं हम, तो वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है मगर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक समय आएगा कि ऐसे सीधे चला जाएगा, नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से जब आप उसको रिवर्स बायस में करोगे, तो रिवर्स बायस में करोगे तो धारा का प्रवाह बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, ऐसे आएगा, देखिए ऐसे आएगा और एक जगह आके एकदम से खट से बढ़ जाएगा। तो आपको यही पूछेगा पीएन संधि क्या है, उसकी कार्यविधि बताइए, फॉरवर्ड बायस क्या है, फॉरवर्ड बायस में कितना ही ग्राफ बनेगा, रिवर्स बायस क्या है, तो ये वाला आपका रिवर्स बायस है और ये वाला आपका फॉरवर्ड बायस है। और डायोड को आपने दिखा दिया प्रतीक चिन्ह, पीएन संधि को किस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा और इसका चेकअप भी दिखाऊंगा कि ये खराब है कि सही है। ये क्या करता है? एसी को डीसी में बदल देता है। तो यही हमारा डायोड है और इसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस रहेगा, इसका मतलब धारा इसमें एक से दिशा, एक ही दिशा से बहेगी, उल्टी दिशा में धारा नहीं बहेगी। ये डायोड की पहचान है, ठीक है, कि खराब है या सही। अगर दोनों तरफ से धारा दिखा रहा है तो उसका मतलब ये इसकी चेकिंग भी हो जाएगी। जर्मेनियम और सिलिकॉन आपने जान ही लिया, यह हमारे आंतरिक आंतरिक पहले टाइप में पहले ही है, ठीक है। इनकी बाहरी कक्षा पे आखंड इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाए रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहता है, ना ही होल रहता है, तो इससे शून्य धारा का प्रभाव नहीं हो पाता। लेकिन बाह्य जब आप सिद्धि मिलाते हैं अचालक में तो आ जाता है, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप। उसके बाद इसके अंदर आपका एक और अच्छा सवाल पूछता है, इस पे जो है पीएन संधि दिष्टकारी के रूप में, तो यहाँ हम थोड़ा सा विश्राम करें और उसके बाद आपसे क्वेश्चन इस पे पूछ लें, फिर इस चैप्टर को